अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कानपुर जायका। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कब्ज़ा मसाले की रेसिपी। घर में मौजूद सामानों से बन जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून खड़ी सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून साबुत खड़ी धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून ड्राई जिंजर पाउडर या सोड भी कह सकते हैं वो लिया है, और यहाँ कुछ मसाले हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च लिया है, 5 से 6 छोटी इलायची ली है, और 7 से 8 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, और ये 1/2 इंच का टुकड़ा जायफल का है, और यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े हैं 3, और जावित्री का फूल है 1। तो अब हमने सारे मसाले को ड्राई रोस्ट करना है। बस तवा इतना गर्म रखना है कि आप हाथ आपका जले ना, और सारे मसाले इसमें सेकना है हमें। सारे मसाले हमने ऐड कर दिया है, अब 1 से 2 मिनट तक के हम भून लें इसको। दालचीनी भी ऐड कर दी है, जावित्री, और अच्छी तरह से भून लें। कलर चेंज ना हो पाए, बस हल्की सी खुशबू आ जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। और ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, और हमने इसे ठंडा कर लिया है, और मिक्सर जार में डाल के इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए पाउडर तैयार है, और हमने इसे निकाल लिया है एक बाउल में। ये देखिए कब्ज़ा मसाला तैयार है। अब हम इसमें सोड का पाउडर ऐड करा है। अगर आपके पास सोड ना हो तो आप अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं। 1 नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमारा ये तैयार है कब्ज़ा मसाला। आप इसे मंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे मटन मंदी और कब्ज़ा दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी यूज़फुल लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल कानपुर जायका को सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियो तक के अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।